हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी पीटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हमारा यूनिट 7 में ड्रिलिंग और ड्रिलिंग मशीनी में जो चल रहा है आज दूसरा क्लास है। अगर आप हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने ड्रिल की भी क्लास अपलोड किए हैं और फिटर थ्योरी की पिछले क्लास अपलोड किए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आपकी, यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हों या फिर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप आईटीआई से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि यदि आप कापी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम एक एक पॉइंट के बारे में जो लिखाएंगे आप लोगों को वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। यह मत समझिए कि जो हमने ये लिख दिया केवल इतना ही आपको बताएंगे, इसके एक एक पॉइंट के यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आते हैं, हमने ड्रिल में कुछ टाइप ड्रिल पढ़ा था, हमारा जो फ्लैट ड्रिल था, स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल था और ट्विस्ट ड्रिल था, ठीक है। उसी के आगे फिर हमने ट्विस्ट ड्रिल के बारे में एक एक एंगल के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो कटिंग एंगल के बारे में सबके मैंने बताया था। तो उसी के आगे हमारे टाइप ऑफ ड्रिल में कुछ ड्रिल बच गई थी, उसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ड्रिल कौन सा है, काउंटर सिंक ड्रिल। काउंटर सिंक यानी इस ड्रिल का यूज हम क्या करेंगे, काउंटर सिंकिंग के लिए करेंगे। काउंटर सिंकिंग क्या होता है, देखिए कोई हमारा होल होता है, कोई हमारा होल होता है, उसको किनारे से क्या कर दें, बेबल, इस तरह क्या कर दें, बेबल कर दें। यह बेबल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्क्रू का हेड क्या हो जाए, स्क्रू के हेड को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किनारे से बेबल कर देते हैं, इसी को हम लोग काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी काउंटर सिंक ड्रिल जो होता है उसका यूज हम लोग क्या करेंगे, काउंटर सिंकिंग के लिए करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस नोट कर लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट बस पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। आगे आइए हमारा काउंटर बोर ड्रिल। काउंटर बोर, काउंटर सिंकिंग क्या था, जो होल था उसके किनारों को हम लोग बेबल कर रहे थे, किनारों को क्या कर रहे थे, बेबल कर रहे थे। लेकिन जो हमारा काउंटर बोर होता है ड्रिल, यह काउंटर बोरिंग करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन जो होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग क्या होता है। जो काउंटर बोर ड्रिल होता है यह जो होता है होल को, जो हमारा होल होता है उसको क्या करने के लिए, कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए, कुछ गहराई तक। अगर मान लीजिए हमारा यह होल है, इसको हम लोग क्या कर दें, कुछ गहराई तक क्या कर दें, बड़ा कर दें। देखिए हमने होल को क्या कर दिया, ये हमारा होल था उसके ऊपरी सिरे को कुछ गहराई तक हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। देखिए इस प्रकार जैसे है, ये हमारा होल क्या हो गया, ऊपर सिरे का कुछ गहराई तक बड़ा हो गया। तो इसका यूज हम करते हैं, जो हमारा साकेट हेड स्क्रू आता है उसको छुपाने के लिए, ठीक है। एलन स्क्रू भी आता है, उसको छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, काउंटर बोर ड्रिल का। यानी जो आगे का जो जिसका डाया छोटा है और पीछे वाले क्या है, डाया हमारा बड़ा है, यानी जो पीछे वाला डाया जो बड़ा है वही हमारा क्या करेगा, होल के साइज को ऊपर कुछ गहराई तक बड़ा कर देगा। यानी होल के साइज के ऊपरी सिरों को कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए ही हम लोग काउंटर बोर ड्रिल का यूज करते हैं। आगे आइए स्पाइरक ड्रिल। स्पाइरक ड्रिल जो होता है, ये कई बार पूछा गया है आप लोगों को एग्जाम में कि इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो जो स्पाइरक ड्रिल होता है इसका यूज हम लोग जो हमारे प्रेशर वाले जो प्रेशर के जो हमारे होते हैं, जिससे हम लोग प्रेशर दिया जाता है, पानी का प्रेशर या वायु का प्रेशर, किसी चीज़ का प्रेशर, उसके निप्पल पर जो उसका क्या होता है, आगे का सिरा जो होता है, उसका जो आगे का सिरा होता है उसी में छिद्र करने के लिए, उसी में छोटे छोटे छिद्र करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर जो हमारे स्टोव होते हैं उनमें छिद्र करने के लिए, जो छोटे छोटे यानी इसका यूज हम लोग छोटे छोटे छिद्र करने के लिए करते हैं, बस इतना समझ जाइए। इसके बाद आगे हमारा आता है आयल होल ड्रिल। आयल होल ड्रिल, इसको गन बैरल ड्रिल भी बोलते हैं, नोट करिए इसको हम लोग गन बैरल ड्रिल भी बोलते हैं। आयल होल ड्रिल जो होता है यह हमारा
इसमें दो छिद्र बना होता है, इसके हेड से लेकर इसके पॉइंट तक दो छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से हमारा जो क्या होता है, जो हमारे कूलेंट यूज किए जाते हैं, वो आसानी से पॉइंट तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यानी इसका यूज हम लोग अधिक गहराई तक ड्रिल करने के लिए करेंगे, ताकि हमारा अगर कटिंग अधिक गहराई तक हो रही है तो वहाँ तक भी हमारा कूलेंट क्या हो सके, पहुँच सके। देखिए ये आपका हेड का सिरा दिखाया गया है, जैसे मतलब कि दो हेड का नहीं, ये इसका पॉइंट का सिरा है, दो छिद्र इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल ड्रिल। तो सेंट्रल ड्रिल क्या होता है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है पता है, इसके द्वारा हमारी ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग एक साथ हो जाती है। तो इसका यूज हम लोग लेथ मशीन पर जब हम लंबे जाप को पकड़ते हैं, उसमें जो दोनों सिरे होते हैं जाप के, बेलनाकार जाप के, उसमें सेंटर लगाने के लिए हम लोग सेंट्रल ड्रिल का यूज करेंगे। उसको दो सेंटरों के मध्य पकड़ा जाता है, ठीक है। एक तरफ हमारा लाइव सेंटर होता है, एक तरफ डेड सेंटर होता है, उसके मध्य पकड़ा जाता है लंबे जाप को। तो उसमें जाप में हमारा क्या लगाने के लिए, सेंटर लगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके जो आगे वाला भाग होता है, इसका एंगल हमारा कितना होता है, 120 डिग्री, और जो काउंटर सिंकिंग वाला भाग होता है, इसका एंगल हमारा कितना होता है, 60 डिग्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम लोग सेंट्रल ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। और आयल होल ड्रिल को क्या बोल रहे थे, गन बैरल ड्रिल, अन्य नाम भी नोट करिए, माइंड में बैठा लीजिए आप लोग। आगे आते हैं हम लोग ड्रिल को आप पकड़ने की युक्तियाँ, यानी ड्रिल को पकड़ने के लिए कुछ हमारे उपसाधन यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा जो ड्रिल होता है, कभी कभी जो उसका ड्रिल का जो शैंक होता है, कभी जो स्पिंडल से छोटा हो जाता है, कभी स्पिंडल से बड़ा हो जाता है, तो उसके पकड़ने की कुछ युक्तियाँ होती हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ड्रिल को सीधे स्पिंडल में कब पकड़ते हैं, जब हमारा टेपर शैंक वाला ड्रिल बिट होगा। कैसा, नोट करिए, जब हमारा टेपर शैंक वाला ड्रिल बिट होगा तब हम ड्रिल बिट को सीधे स्पिंडल में पकड़ लेंगे। टेपर शैंक वाले ड्रिल बिट को सीधे कहाँ पकड़ लेंगे, स्पिंडल में, नोट कर लीजिए। आगे आइए, स्लीव का प्रयोग करना। अब स्लीव और साकेट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम, जो हमारा स्लीव है यह किस लिए यूज करते हैं, जब हमारा ड्रिल बिट होता है उसके शैंक का जो हमारा जो डाया होता है वह छोटा हो जाए, स्पिंडल के डाया से शैंक का डाया क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, स्लीव का। मतलब समझिए, अगर हमारी यह ड्रिल बिट है, मान लीजिए यह हमारी क्या है, यह हमारी ड्रिल बिट है, कल आप लोगों को बताए थे अच्छी तरीके से, ये हमारी टेपर शैंक वाली ड्रिल बिट है, देखिए, और ये हमारा मान लीजिए स्पिंडल है, ये हमारा क्या है, स्पिंडल है, हमें इसमें क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो हमारा जो इसका शैंक का जो डाया है, अगर स्पिंडल के डाया से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये शैंक का डाया, इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और ये हर बार एग्जाम्स में आता भी है, बस आप माइंड में बैठाइए, शैंक का डाया छोटा हो जाए, स्लीव यानी स्लिप करने लगे, यानी इसमें मतलब एडजस्ट ही ना हो, तो हम लोग स्लीव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्लीव इसके ऊपर लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग स्पिंडल में क्या कर देंगे, इसको पकड़ देंगे, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए अच्छी तरीके से, क्या समझें, इसका डाया अगर छोटा हो जाएगा इस ड्रिल बिट के शैंक का, तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, स्लीव का। अब यहीं पर साकेट आता है, क्या आता है, साकेट इसका जस्ट उल्टा है। अब हमारा डाया बड़ा हो गया, अब क्या हो गया, शैंक, हमारा शैंक बड़ा हो गया, अब जो हमारा स्पिंडल देखिए छोटा हो गया, स्पिंडल क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, साकेट लगा देंगे, साकेट लगाने के बाद इसको हम लोग स्पिंडल में सीधे पकड़ लेंगे उल्टा। इसमें क्या था,
हमारा ड्रिल बिट का संयंक छोटा था, इसमें ड्रिल बिट का संयंक क्या हो गया, बड़ा हो गया। ड्रिल बिट का संयंक छोटा होगा स्लीव, बड़ा होगा तो साकेट। अब इसके बाद हमारा आता है ड्रिल चक में पकड़ना। अब ड्रिल चक में किस लिए यूज करते हैं, आप लोग ऐसा ड्रिल चक देखे ही होंगे जब ड्रिल मशीन पे अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो। हमने ड्रिल मशीन के प्रैक्टिकल करके आपके सामने वीडियो अपलोड कर रखा है कैसे ड्रिल किया जाता है, उसके एक एक पार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो ड्रिल चक में कैसे पकड़ते हैं, तो जो हमारा स्पिंडल होता है, जो हमारा स्पिंडल होता है उसमें ड्रिल चक के लिए हम लोग स्ट्रेट संयंक का अगर हमारा ड्रिल होगा, देखिए अब तक ये जो था हमारा स्टेपर के लिए था, अगर हमारा ड्रिल बिट स्ट्रेट संयंक वाला आ गया तो हम लोग न सीधे स्पिंडल में पकड़ पाएंगे, न स्लीव के द्वारा, न साकेट के द्वारा, उसके लिए हमें ड्रिल चक का यूज करना पड़ेगा। इसको हम लोग ड्रिल चक में फंसा देंगे, इसके संयंक को ड्रिल चक में फंसा कर ये हमारी की आती है, की इसमें उपसाधन में हमारी की भी एक आएगी, उसको भी जान लीजिए आप लोग। की का यूज क्या करते हैं, ड्रिल चक के द्वारा, देखिए ये हमारे जो दांते कटे हैं इसी में हमारा एक छिद्र होता है, उसमें की को लगा के हम घुमाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये ड्रिल चक का जो ये आपका देखिए नीचे का सिरा जिसमें हम लोग पकड़ते हैं स्ट्रेट संयंक को, ये हमारा खुलता है और बंद होता है, ठीक है, ये गोलाई में खुलता है और बंद होता है, जैसे हमारा जो ये ड्रिल होता है वो गोलाई में नहीं होता है। तो की का यूज किस लिए करते हैं, ड्रिल चक को खोलने और बंद करने के लिए, या फिर ड्रिल बिट को कसने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्रिल चक को स्ट्रेट संयंक वाले ड्रिल बिट को ड्रिल चक में पकड़ते हैं, और ड्रिल चक के साथ एक हम लोग आर्बर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आर्बर, ड्रिल चक के साथ आर्बर यूज करेंगे, और यह आर्बर जाके सीधे हमारा कहाँ फिट होगा, स्पिंडल में फिट होगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या था हमारा, पहले में टेपर संयंक वाले ड्रिल बिट को सीधे स्पिंडल में पकड़ रहे थे, और स्लीव का यूज कब कर रहे थे, जब हमारा ड्रिल का डाया छोटा हो जा रहा था तो हम लोग स्लीव का यूज कर रहे थे, जब हमारा ड्रिल का डाया बड़ा हो गया तो हम लोग साकेट का यूज कर रहे थे, जब हमारा ड्रिल बिट स्ट्रेट संयंक वाला होगा तो हम लोग ड्रिल चक का यूज करेंगे, और ड्रिल को कसने के लिए हम लोग की का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हमारा आता है ड्रिफ्ट, यहीं पे आप लोग ड्रिफ्ट को भी जान लीजिए, ये क्या हमारा ड्रिफ्ट क्या होता है, यह क्या होता है, जब हम अपने ड्रिल बिट को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं हमारा स्पिंडल में, ये देखिए हमने ड्रिल बिट को स्पिंडल में क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ये हमारा देखिए नेक होता है ऊपर, जब हम लोग क्या कर लेते हैं ड्रिल बिट को पकड़ लेते हैं, तो यहीं पर ड्रिफ्ट की सहायता से हमारा कुछ इस प्रकार ड्रिफ्ट होता है, इसके सहायता से हम चोट मारते हैं, इसके सहायता से क्या करेंगे, चोट मारते हैं तो हमारा क्या होता है, ड्रिल बिट निकल जाता है, यानी ड्रिफ्ट का यूज हम लोग करते हैं ड्रिल को क्या करने के लिए, स्पिंडल से बाहर निकालने। नोट करिए, आपको जितना पॉइंट बताए हैं सब नोट करिए, क्योंकि हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नोट नहीं करना है, आपको हर एक पॉइंट नोट करना है, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट का यूज किस लिए करेंगे, ड्रिल के स्पिंडल से ड्रिल बिट को बाहर निकालने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का यूज करेंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे आइए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में नोट करने में भी आसानी हो, अगर इस समय आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय नोट करने में ही फायदा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन में आपको डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे आइए, यह जो है काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, ड्रिल की स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड, इसको तो ज़रूर नोट करिएगा, ड्रिल की स्पीड, कटिंग स्पीड और फीड, तीनों के बारे में आज हम लोग आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हो आप लोगों को ऐसे ड्रिल से कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। ड्रिल की स्पीड, ड्रिल अपने अक्ष पर, ये देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा ड्रिल है, ड्रिल अपने अक्ष पर एक मिनट में जितना चक्कर लगाता है, वह हमारा ड्रिल की स्पीड होती है। नोट करिए, हम लिखवा रहे हैं, नोट करिए, ड्रिल अपने अक्ष पर एक मिनट में जितना चक्कर लगाता है वह उसकी क्या होती है, ड्रिल की स्पीड होती है।
इसको हम लोग आरपीएम में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं इसको भी नोट करिए, आरपीएम में। यानी 10 चक्कर लगाया हमारा ड्रिल बीट एक मिनट में, तो हमारा आरपीएम कितना होगा, 10 आरपीएम होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होता है, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं स्पीड और कटिंग स्पीड में। जो कटिंग स्पीड होता है वह हमारा ड्रिल अपने अक्ष पर एक मिनट में जितना चक्कर लगाता है, ध्यान दीजिए, एक मिनट में जितना चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा तय की गई दूरी, उन चक्करों द्वारा तय की गई दूरी, यानी वह जितने चक्कर लगा रहा है उतने चक्करों में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, वही हमारा कटिंग स्पीड होती है। और इसको हम लोग मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। दोनों को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ड्रिल की स्पीड, ड्रिल अपने अक्ष पर एक मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह ड्रिल की स्पीड होती है, और ड्रिल एक मिनट में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा चली गई जो दूरी होती है वही हमारी क्या होती है, कटिंग स्पीड होती है। तो हमने जान लिया ड्रिल की स्पीड और कटिंग स्पीड। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग फीड। फीड क्या होता है, तो फीड को ध्यान से देखिए। ड्रिल अपने एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में जितना अंदर जाता है, होल के अंदर जितना जाता है वही हमारी फीड होती है। ध्यान दीजिए, ड्रिल एक चक्कर में जितना अंदर प्रवेश करता है होल के, वही हमारी फीड होती है। और इसको हम लोग mm प्रति रेवोल्यूशन में व्यक्त करते हैं। यह जो होता है यह हर एग्जाम्स में, ITI एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में बस इसको आप लोगों को यह पूछ देता है कि कटिंग स्पीड का क्या होगा मीटर प्रति मिनट, या फीट का क्या होगा mm प्रति रेव, या फिर ड्रिल की स्पीड क्या होगा तो RPM। यह आप लोगों को इस तरह भी पूछ देता है। तो फीट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। फीट को तो बता ही दिए, फीट कब हम ज़्यादा रखेंगे और कब RPM कम रखेंगे इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अगर हमारा, ध्यान दीजिए, अगर हमारा ड्रिल पतला है, ड्रिल की साइज क्या है कम है, अगर ड्रिल की साइज कम है तो हम RPM ज़्यादा रखेंगे। RPM क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ड्रिल की साइज कम है, RPM ज़्यादा रखेंगे और फीड कम रखेंगे। अगर फीड ज़्यादा रख देंगे, ड्रिल की साइज कम है, ड्रिल पतला है, तो हमारा ड्रिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए नोट कर लीजिए, ड्रिल की साइज कम होगी तो RPM हम ज़्यादा रखेंगे और फीड कम रखेंगे। अगर उसी का उल्टा, अगर ड्रिल की साइज ज़्यादा है, ड्रिल की साइज ज़्यादा है तो हम लोग क्या रखेंगे, फीड ज़्यादा रखेंगे और RPM कम रखेंगे। ठीक, क्लियर। अब आते हैं हम लोग कटिंग स्पीड एंड टाइम कैलकुलेशन पे। तो हमारा जो होता है मीट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में दोनों अलग अलग होता है, और ये आपके एग्जाम्स में ये आप लोगों को फार्मूला भी पूछ देगा कि मीट्रिक का फार्मूला क्या होता है, ब्रिटिश में क्या होता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है। ये आप लोगों को हर कंपटीशन एग्जाम्स में ये आता रहता है और इससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, पहला हमारा क्या है, देखिए वी बराबर पाई डी एन मीटर प्रति मिनट, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, मीटर प्रति मिनट। इसमें देखिए वी क्या है, वी जो है आपकी कटिंग स्पीड है, यह क्या है आपकी, वी कटिंग स्पीड है, और एन क्या है, स्पीड। ये जो आपका एन क्या है, स्पीड, यानी ये RPM को व्यक्त करेगा, एन RPM को, और वी हमारा मीटर प्रति मिनट। ठीक है, वी हो गया। और डी क्या है, ड्रिल का डाया, डी क्या है, ड्रिल का डाया। और यह फार्मूला हमेशा चेंज होता रहता है, कैसे, अगर हमारा डी, डी क्या है, डी अगर आप लोगों का सेंटीमीटर में आ जाए तो हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। डी अगर सेंटीमीटर में व्यास, इसी से हमारा फार्मूला बदलता है, अगर डी को सेंटीमीटर में दे देगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारा डी मिलीमीटर में दे देगा तो हम यहाँ पे 1000 लगा देंगे,
और अक्सर आपको एग्जाम्स में जो हमारा डी दिया रहता है वो एमएम में ही दिया रहता है। डी कहाँ दिया रहता है? एमएम में ही दिया रहता है। और हम लोग उसके लिए क्या लगा देंगे? 1000 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मान को ना बदले, यह हमारा जो मीटर प्रति मिनट है यह मान ना बदले, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से सेंटीमीटर में रहता 100 से भाग दे रहे हैं और मिलीमीटर में तो 1000 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या हमारा है, डी बराबर 14 mm दिया है, डी बराबर 14 mm दिया गया है, डी बराबर 14 mm। उसके बाद हमारा एन बराबर 400 rpm, एन बराबर 400 rpm। उसके बाद हमको क्या पूछा है, वी की वैल्यू पूछी है। यह आपके सामने क्वेश्चन है, डी बराबर ड्रिल का डाया 14 mm है और वह एक मिनट में 400 चक्कर लगाता है तो उसका कटिंग स्पीड क्या होगी, इस तरह कुछ आपका सवाल है, ठीक है। आइए हम फार्मूला लगाते हैं, बी का मान पूछा है। देखिए यहाँ पे फार्मूला बदल भी सकता है, कैसे बदलेगा, यहीं पे आपको वी दे के एन पूछ देगा तो आप लोग क्या कर देंगे, यह हमारा 1000 इसके गुणे में चला जाएगा और पाई और डी नीचे आ जाएगा, कैसे होगा देखिए, हल्का सा देख लीजिए यहाँ पे, और हमको एन पूछ दे तो हमारा जो वी इंटू 1000 हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा, पाई डी, ये आप आरपीएम में हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पूछेगा अगर डी पूछ देगा तो ये चला जाएगा और पाई और एन नीचे आ जाएगा, यानी जो पूछेगा उससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 लिखा है, यह क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा डी क्या है, एमएम में है। अगर यही डी हमारा मीटर में रहता तो हमको नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेंटीमीटर में रहता तो हम 100 से भाग देते हैं और मिलीमीटर में है तो हम लोग 1000 से भाग दे रहे हैं, ठीक। इस सवाल को लगाते हैं फार्मूला में, हम बी बराबर पाई का मान 22/7 आप लोगों को पता ही होगा, उसके बाद डी का मान 14, उसके बाद एन का मान 400 गुड़े 1000, 1000 पता ही क्यों किए हैं हम, 1000 इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा डी का मान क्या है, एमएम में था। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आता होगा, 7 × 2 = 14 हो गया हमारा, 2×5 यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया, और ये हमारा बचा क्या, 22 × यहाँ पे 4/5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 × 88/5। अगर आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आएगा 5 × 5 आएगा, 5×7 = 35, फिर उसके बाद इस तरह कुछ करके मीटर प्रति मिनट में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डी का मान दिया था, एन का मान दिया था, वी का मान पूछा था, यहाँ से किसी का भी मान दे दें और कोई मान पूछे तो आप लोग लगा सकते हैं, बस इसको आप लोग फोकस करिएगा यह हमारा एमएम में है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। तो क्या बताएं, अगर ये हमारा मीटर में होगा तो हम लोग नीचे किसी भाग नहीं देंगे, अगर यही सेंटीमीटर में दिया रहेगा 100 से भाग दे देंगे, अगर ये मिलीमीटर में दिया रहेगा तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसका भी कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ, आप लोगों को हम लोग कैलकुलेशन का अलग से वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज अगर कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को और भी न्यूमेरिकल लगाने हैं तो हम लोग इसका एक और वीडियो अपलोड कर लेंगे और आप लोगों को कई न्यूमेरिकल करा देंगे जिससे आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश में जो होता है यह हमारा इंचेज में दिया हो, जब हमारा डाया किस में दिया हो, डाया इंच में दिया हो, इंच में डाया इंच में दिया हो तो हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे, वी बराबर पाई डी एन बटे 12। अब यह फुट प्रति मिनट हो गया, फुट यानी एक फुट को हम लोग, एक फुट में हमारे 12 इंच होते हैं इसलिए हम लोग 12 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस पर एक फार्मूला पे हम सवाल लगाते हैं, डी बराबर 3/8 इंच, यह हमारा इसी तरह फिक्स होता है फार्मूला, इसमें को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। डी बराबर 3/8 इंच दिया है, एन बराबर दिया है आपका 240 rpm, एन बराबर 240 rpm दिया है
और आप लोगों को भी का मान पूछा है, भी का मान पूछा है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए वी बराबर पाई बराबर 22 बटा के 7 गुणे डी का मान 3 बटा के 8 गुणे एन का मान 240 बटे 12। अब देखिए इस फार्मूले को कैसे लगाते हैं, कैसे कैलकुलेशन हल करना है। यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ पे हमारा 20 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कट रहा है 4 दूनी 8, 4 पाँचे 20, 2 से 11 हो गया, यह आपका कितना हो गया 11 तिया 33, 33 गुणे 5 बटे 7। अब इसको हम लोग कर देंगे बटे 7 हो गया। अब इसमें आप लोग अगर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 5, तो 7 त्रिके 21 हो गया। पॉइंट लगाएंगे 21 के बाद 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35 हो जाएगा। इसके बाद हमारा और करेंगे तो 7, यानी इतना फुट प्रति मिनट आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इतना हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लोगों का एन का मान दे या डी का मान दे, कोई मान दे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके हम लोग किसी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। इसका एक टाइमिंग निकालने का फार्मूला पूछ देता है एग्जाम्स में, टाइमिंग निकालने के लिए, देखिए टाइमिंग निकालने के लिए पूछ देता है, यह टाइमिंग वाला फार्मूला है। इसके लिए हमारा जो होता है यल जो होता है, यह लंबाई होती है, किसकी लंबाई होती है, प्लेटों की लंबाई, यानी जितना हमें होल करना है उसकी लंबाई अगर दी रहेगी, होल का मतलब होल की लेंथ या प्लेटों की लेंथ जो भी दिया रहेगा, यह हमारा फीड है, यह हमारा क्या है फीड, कितना फीड हम दे रहे हैं, और यह क्या हमारा यन पता ही होगा हमारा क्या है, आरपीएम ड्रिल की स्पीड है। ये अगर हमें इतना चीज़ें पता होंगी तो हम लोग टाइमिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें किसी चीज़ का मान पूछ दे, अगर आप लोगों को फीड पूछ दे, यहीं से क्या कर देंगे आप लोग, इसको टी इंटू एन बाई हमारा क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ठीक है। अब ये फीड पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का एमएम प्रति रेवलेशन, ठीक है। यानी यहाँ से कुछ भी अगर आप लोगों को पूछेगा वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग से एक कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल अलग से करा देंगे, जिसके आप लोगों को जितना भी इससे भी डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। बस इस फार्मूले का आप लोग कॉन्सेप्ट में माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यह कई बार पूछा गया फार्मूला है, केवल आपको टाइमिंग सीधे पूछ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को जितना आज मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह हम अपनी फीचर 3 की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखें, ठीक है। और आने वाले आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों का ज़रूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।